परसेप्शन पैदा किया जा रहा है कि जनता खुश है मोदी से। ठीक है, अगर आप इतना ही समझ रहे थे आपकी नीतियां अच्छी हैं, तो फिर उन्हीं प्रश्नों पे वोट मांगते ना। 15 लाख रुपया दिया कि नहीं दिया, रोजगार पैदा किए कि नहीं किए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं, काला पैसा बाहर से आया कि नहीं, महंगाई रुकी कि नहीं, इसके ऊपर वोट क्यों नहीं लिया? पुलवामा और बालाकोट का इमोशन खड़ा करके तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पे वोट क्यों लिया? अगर मोदी जी समझते हैं कि आर्थिक नीतियां इतनी मजबूती, सीधे कहते ना कि बोलिए इतने लोगों के घरों में 15 लाख चला गया था, देखो इतने रोजगार पैदा किए। जिस नोटबंदी को उन्होंने कहा कि बहुत ही शानदार कदम था, उस नोटबंदी का एक शब्द भी नहीं इस्तेमाल किया चुनावों में, क्यों नहीं किया ना? फिर बोलिए ना। लेकिन मैम, विपक्ष ने तो इन सब मुद्दों को उठाया लेकिन फिर भी धराशायी हो गए चुनाव में। मैं तो बोल ही रही हूँ कि इन मुद्दों को बहस में तो बनने नहीं दिया ना। आप हमारी बात सुन रहे हो, हमें बुला रहे हो, लेकिन 95% 95% मीडिया तो वही बोलता रहा जो मोदी कहते रहे। जनता के मुद्दे चुनाव में आने नहीं दिए गए, इसलिए कैमोफ्लॉज किया गया जनता के इश्यू से डाइवर्ट करने के लिए। जनवरी 2019 तक वातावरण था कि ये सरकार जाएगी, फरवरी के मध्य तक भी था, और पुलवामा होता है और ये पूरे देश के अंदर सारे मुद्दों को पीछे फिकवा के लोगों को जिंगोइज्म में डालते हैं और वोट। क्या आपका कहने का मतलब है पुलवामा मोदी ने करवाया? ये हम क्यों कहेंगे आज कि पुलवामा मोदी ने कराया, पर हम ये जरूर कहेंगे कि पुलवामा रुक सकता था। मोदी की सरकार को मालूम था, सिक्योरिटी लैप्स हुआ, गवर्नर ने बताया, जो हमारी एजेंसीज हैं सिक्योरिटी की, उन विजिलेंस एजेंसीज ने बताया कि सरकार को पहले से मालूम था कुछ हो सकता है, तो फिर सरकार ने होने दिया ना, क्योंकि उनको चुनावों में फायदा होना था। मैम क्या लग रहा, सत्ता पे पूंजीवाद हावी हो गया ज्यादा? बिल्कुल हो गया। इस वक्त सत्ता इस देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों के इशारों पे ही केवल चल रही है। वो एजेंडा तय करते हैं, मोदी सरकार उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा है, विदेशी पूंजी के आगे नाच रही है मोदी की सरकार, और वहां जाकर के इतनी बेशर्मी से हिंदुस्तान की बेइज्जती करते हैं, और ट्रंप के लिए दूसरी टर्म में वो जीत जाए उसका प्रचार करते हैं। ये कहां हमारे देश को पहुंचा दिया, प्रधानमंत्री पद की गरिमा तक नहीं रख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और सैकड़ों बरसों की हमारी खूबसूरत सभ्यता के अंदर सेंध लग रही है, भाईचारा खराब हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। सरकार इन सब चीजों के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं देना चाहती, क्योंकि वो चाहते हैं मजदूर, किसान, आम जनता बटे, नफरत में बटे, हेट्रेड करे, धर्म और जात में फंसे, और वो अपनी देश को बेचने की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी का तो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, तो आप कैसे कह रहे हैं? वो सबका साथ सबका विकास नहीं, अगर उनका सबका साथ में केवल पूंजीपति हैं तो बिल्कुल ठीक है, वो उन्हीं का साथ ले रहे हैं, उन्हीं का विकास कर रहे हैं, आम जनमानस का तो साथ है नहीं। देखो क्वेश्चन नारे का नहीं। लोग यही कहते हैं ना, जब तो पूंजीवाद आगे बढ़ावा नहीं देंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, बड़ी इंडस्ट्री खड़ी नहीं होंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पूंजी कौन पैदा कर रहा है? मजदूर पैदा कर रहा है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूंजी अपना रोल नहीं अदा करेगी, हम ये कह रहे हैं कि जो श्रम पूंजी पैदा करता है उसी श्रमिक का हिस्सा कहाँ है, उसकी जिंदगी दुभर क्यों हो रही है? विकास कौन करता है? जो मजदूर पिसता है, जो खदानों में घुसता है, जो कंस्ट्रक्शन करता है, जो फैक्ट्री में माल बनाता है, कौन बना रहा है देश को? मजदूर बना रहा है। तो जब मजदूर बना रहा है, मजदूर विकास कर रहा है, उसी को नौकरी से बेदखल क्यों किया जा रहा है? उसकी ही न्यूनतम वेतन को उठा करके आपने, वो 18,000 मांग रहा था, आज हम 21,000 मांग रहे हैं, आप उठा के मजाक करते हो, 9,000 की घोषणा करते हो, उसके बाद उससे भी पीछे चले जाते हो, फिर पार्लियामेंट में आप 4,628 अनाउंस करते हो न्यूनतम वेतन। क्या करना चाहती है ये सरकार? ये भिखारियों की तरह इस देश के श्रमिक को, धन दौलत को पैदा करने वालों को भिखारियों की तरह ये सड़कों पे उतारना चाहते हैं, ताकि लोग इनके आगे मोहताज हो, ये पैसे के टुकड़े फेंके और उसके जरिए से लोगों की मानसिकता को जीतने की कोशिश करें, ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन जो पार्टियां मजदूरों की, श्रमिकों की थी, आजकल वो पार्टियां कहां
चली गई, क्या वजह होगी जो मजदूरों ने उनको नकार दिया? पार्टियां अभी भी हैं, श्रमिकों का सवाल उठाने वाली हैं, वो अभी भी मैदान में है, अभी भी आंदोलनों में है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री चुनावी राजनीति है उसमें वो पिछड़ गई हैं, ये सच है। काला पैसा नहीं है, जाति के नाम पे वोट नहीं मांगती, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती, इमोटिव इश्यूज पे वोट नहीं मांगती, जनता के मुद्दों पे काम करती है। लीडरशिप कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त हो गए पूंजीवाद में? ये मैं नहीं कहूंगी कि लीडरशिप लिप्त हो गई, मैं ये कहूंगी कि पूंजीवाद ने उनके रास्ते बहुत अवरुद्ध कर दिए, ये मैं कहूंगी। और इसीलिए मैं ये साफ और स्पष्ट समझती हूँ, सड़कों के ऊपर रेले पेले तो बढ़ेंगे ही, हड़तालें भी बढ़ेंगी, या ये सरकार अपने रास्ते से बाज आए, देश को बेचना बंद करे और विदेशियों के आगे घुटने टेक के इस देश की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाना बंद करे, और नहीं तो अपने बोरिए बिस्तरे को बांधने के लिए ये तैयार हो जाए। अब ये लड़ाई रुकेगी नहीं जो हम लोगों ने शुरू किया। 50 साल का कह रहे हैं कि 50 साल राज। हाँ हाँ, 50 साल का कह रहे हैं, क्योंकि जिस जहां से उनको संदेश आता है, जहां से दिमाग आता है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता है और वो फांसीवाद में यकीन करते हैं और फांसीवाद ये मान के चलता है कि एक बार हम कुर्सी पे बैठ गए तो देखेंगे जनवाद कैसे चलेगा। इसीलिए जनवाद पे और संविधान पे हमला है, क्योंकि वही रास्ता वो अपनाते हुए कहना चाहते हैं हम 50 साल रहेंगे और इस देश के लोग जर्मनी या इटली के लोग नहीं है, इस देश के लोग हिंदुस्तानी है, सैकड़ों बरसों की हमारी सभ्यता है, वो सभ्यता में गहरी हमारी भाईचारा है। ये कोशिश जितनी मर्जी करके लिख लें, इनके कुछ भक्त हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, देश का आवाम आज भी एक है, एक दूसरे के साथ है, डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, संविधान में विश्वास रखता है, और उसी विश्वास और यकीन को हम ट्रेड यूनियंस जनता के उस यकीन और विश्वास से ताकत लेते हैं और हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हमें पूरा यकीन है कि इनके फांसीवादी इरादों को हम हिंदुस्तान में पूरा नहीं होने देंगे।